आपके साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज अचानक तड़के राहुल गांधी करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की जिससे वह अपने अमेरिका दौरे के दौरान मिले थे। इतना ही नहीं, राहुल ने युवक के घर पहुंचकर उसे अमेरिका में वीडियो कॉल कर सबूत भी दिया। राहुल गांधी करनाल जिले के घोगड़ीपुर गाँव में सुबह करीब 5:30 बजे अचानक पहुंचे। कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के इस दौरे के बारे में न तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को सूचना थी और न ही पुलिस प्रशासन को। वह इतनी सुबह अचानक पहुंचे कि सभी दंग रह गए। बता दें, अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी की मुलाकात अमित कुमार नाम के लड़के से हुई थी। वह घोगड़ीपुर गांव का ही रहने वाला है। अमित का कुछ समय पहले अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था, इसके बाद वह अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका में मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने अमित से वादा किया था कि वह जब वापस भारत जाएंगे तो उसके घर वालों से जरूर मिलकर आएंगे और युवक से वहां पहुंचकर वीडियो कॉलिंग भी करेंगे। राहुल गांधी अपने वादे के अनुसार आज सुबह घोगड़ीपुर में अमित कुमार के घर पहुंच गए। वहां वह अमित की माँ बीरमती और पिता वीर सिंह से मिले। राहुल गांधी यहाँ से करीब 7:10 पर निकले। यहीं से राहुल गांधी ने अमित को वीडियो कॉलिंग भी की। बीरमती ने राहुल गांधी को बताया कि उनका बेटा करीब 1.5 साल पहले अमेरिका गया था और वहीं काम करता है। कुछ ही दिन पहले उसका वहां एक्सीडेंट हो गया था, इससे हमारी भी चिंता बढ़ गई थी। अमित की मां बीरमती ने कहा, सुबह 5 बजे पहले राहुल के बॉडीगार्ड आए, उन्होंने हमें सोते से उठाया था। इसके बाद करीब 6 बजे राहुल गांधी पहुंचे थे। वह करीब 1.5 घंटा यहां रुके। उन्होंने परिवार का हाल पूछा और वीडियो कॉल पर अमेरिका में अपने ही मोबाइल से अमित से बात भी की। बड़ी बात यह है कि देश के राजा गरीब की कुटिया में आए, उन्होंने हाल पूछा, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।